नमस्कार दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस सीरीज़ की फोर्थ वीडियो। तो हम कवर करने की कोशिश करते हैं आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट, जेई और ई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम करना चाहिए। मेरा टारगेट यही है इस वीडियो का। तो देखो, बेसिक्स ऑफ आरसीसी बहुत क्वेश्चन आते हैं। बेसिक्स ऑफ आरसीसी होता क्या है, जैसे कि तुम्हें बार के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, कि ग्रेड कितने होते हैं, कि एफ़ई 250 या 415, किस में कितनी स्ट्रेन होती है, किस में कितना परसेंटेज स्ट्रेन जाती है, ये तुम्हें याद रखना है। हम माइल्ड स्टील प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, माइल्ड स्टील बार की, या SBHD बार क्या होती है, टॉर बार क्या होती है। कभी क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल के, बताओ भी टॉर बार या स्टॉर बार का मेन फोकस क्या है। तो सॉफ्ट कोर होती है इसमें, इसमें टॉर बोला जाता है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डक्टिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, है ना। IS कोड में माइल्ड स्टील को ही क्यों कहा गया है, या SBHD बार को ही क्यों किया गया है कि आप इसको यूज करिए। तो ये बेसिक्स होते हैं कोड के बारे में, जनरली कोड का ओवरव्यू। देखो, जब मैं बीटेक कर रहा था तो उसमें मैं एक टारगेट था मेरा कि डेली मैं 15-20 मिनट कोड के लिए दे दूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही पूछ लेते हैं। जैसे कि बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि बताओ कंक्रीट में पानी कितना पीएच का होना चाहिए, पीएच बढ़ता है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम क्लोराइड सल्फेट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, कितना परसेंट, ये सब चीज़ें बेसिक्स में आती हैं। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ बताओ, एक टेबल है कंक्रीट बहुत अच्छी सी, है ना, ओके, सिवेटी पे, मतलब कि आप कहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, माइल्ड मीडियम है ना, ये एक्सट्रीम सिवायर, वेरी सिवायर, कोस्टल रीजन, ये सब होते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, कवर कितना देना चाहिए, कवर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फायर ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये सब बेसिक्स में आता है। देखो यार, मैं एक बार बताता हूँ, अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या AE की भी कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है ये सार है। अगर हम 100% में RCC को कवर करें, समझ लीजिए 50% ये कवर करता है। बेसिक्स ऑफ RCC आपको पूरा ध्यान ही देखो, आप क्या सोच रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको स्लैब डिजाइन कराएंगे क्या, हैं, या बीम करवाने वाले, नहीं करवाने वाले ना। तो आपको वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप बेसिक्स RCC के जानते हैं। और देखो, इसमें टाइम क्यों देना चाहिए, आप इसमें इसलिए देना चाहिए कि आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। यार आपने सुना नहीं, आपके कोई घर में बुजुर्ग होंगे या बड़े होंगे तो क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियर का मतलब क्या, RCC कंक्रीट। तो इसलिए इस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है हमको, ठीक है, बिल्कुल इस बेसिक्स ऑफ RCC बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लिमिट स्टेट मेथड और एंड बीम, तो लिमिट स्टेट मेथड देखो, JEE के लिए क्या करना है आपको, लिमिट स्टेट या AE के लिए भी तीनों मेथड को अच्छे से ध्यान रखना है। आप क्या करना, अल्टीमेट मेथड तो थोड़ा अलग कर लो, बाकी उसका नाम दूसरा वो याद कर लेना, बाकी इन दो मेथड को WSM LSM एक चार्ट बना लो, उसमें बेसिक सी चीज़ जो उनके अजम्पशंस हैं या उनके जो एक मेन चीज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर लो। अब उस चार्ट को चिपका दो कहीं पे, अब उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो डेली उसको पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें। तो लिमिट स्टे मेथड, और देखो कोई तुमसे बीम डिजाइन नहीं करवाएगा वहाँ पे, सिर्फ वो अंतर जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें अंतर पता है, इसमें फैक्टर सेफ्टी क्यों लगता है, हम वहाँ पे इलास्टिक से प्लास्टिक रीजन में क्यों गए हैं, क्या रीजन था, इससे स्ट्रक्चर कितना सेव है, कौन सी अप्रोच डिटर्मिनिस्टिक है या प्रोबेबिलिस्टिक है, कौन सी अप्रोच हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ में आप पढ़ना है, ठीक है, लिख लो तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, उसके बाद देखो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप शॉर्ट नोट्स या ये जो लिखते हैं दीवारों पे, ये क्या, कौन लिखता है, कैसे लिखना चाहिए, ऐसे तो पूरी किताब थोड़ी लिख दोगे दीवार पे चिपका दोगे क्या पूरी किताब, नहीं ना। तो हमें कितना लिखना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, तो इसका वेट करना थोड़ा सा। कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब, ठीक है, इसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया ये बेसिक्स में ही आता है RCC के, अगर हम डेली आधा घंटा भी दे रहे हैं कोड को, IS 456 को, बाइबल है वो एक स्टूडेंट के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, IS 456, ठीक है। तो उसको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जब आप उसको पढ़ते रहोगे तो आप कोडल प्रोविजन कैसे भी कोई आपसे पूछ के चला जाए, कोडल प्रोविजन होते हैं बीम और स्लैब के, यही होते हैं कि बताओ डिफ्लेक्शन का रेशियो कितना है, ठीक है, इसमें कितना कवर देना चाहिए, कंडीशन ये हो जाती हैं, ठीक, और तुम्हारे बीम में कितनी स्ट्रिप्स की स्पेसिंग होनी चाहिए और कहाँ से कर्टेलमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ कोडल प्रोविजन में आती हैं। शीयर ऑफ शीयर होता है तुम्हारा, शीयर किसी भी बीम में जब तुम लोड लगाओगे, ट्रांसवर्स लोड लगाओगे, ठीक है, तो शीयर जनरेट होता है, तो उस शीयर को कैसे कवर करें, शीयर का रीइंफोर्समेंट कैसे होता है। तो देखो सबसे फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई रीइंफोर्समेंट डिजाइन नहीं कराएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन हाँ शीयर को यूज करा लेगा, कैसे कराएगा, चल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे कराएगा, आपको एक बीम दे दी, UDL दे दी, पूछ लिया कि बताओ शीयर स्ट्रेस इसमें कितनी आएगी। और कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, तो देखो यार ये शीयर का पार्ट नहीं है, ये कोडल प्रोविजन है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, तो वो तुम याद कर लेना मिनिमम में ये रेशियो वैसा।
डायरेक्ट तुमसे तुम ये कह दो कि हमसे डिजाइन करा लेंगे तो वो नहीं होने वाला, इसमें कोई डिजाइन नहीं कराएगा जब तक कि कन्वेंशनल पेपर ना हो आपका, ठीक है। एसएससी जेई के मेंस के लिए आपको बिल्कुल डिजाइन कराना पड़ेगा, पूरा कराते हैं। बॉन्ड एंड एंकरेज, बॉन्ड और एंकरेज में बहुत ज़्यादा तुम्हारी कोडल प्रोविजंस आते हैं, ठीक है। जैसे एल वो आता ना एल डी की वैल्यू कितनी होती है, या फिर 1.3 M1B+L0, ये किससे कम या ज़्यादा होना चाहिए ये देखना होता है। अच्छा, फ्लेक्सल और एंकरेज बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट क्या करो। अगर किसी को पता करना है, आपको पता कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे बताना, मैं फिर बता दूंगा, है ना, अगली वीडियो में, ठीक है। ये अब बहुत कन्फ्यूजन रहता है फ्लेक्सल एंकरेज बॉन्ड में, कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कि बताओ कि बॉन्ड क्यों आते हैं, क्यों डेवलप होते हैं, तो 3-4 प्रॉपर्टी होती है, केमिकल की वजह से, जो कॉन्क्रीट में केमिकल होता है, मैकेनिकल एडहेशन की वजह से, ठीक है, और ये दो चीज़ें हैं, इनकी वजह से तुम्हारा बॉन्ड जनरेट होता है, और एक फ्रिक्शन की वजह से हो जाती है, ठीक है। या फिर हम मैकेनिकल एडहेशन क्या होता है कि तुम्हारी बार है, अगर पीच उसको वो थ्रेडेड कर दो HYSD जो है, तो वो ज़्यादा बॉन्ड अच्छा लगा लेगी, या फिर बार के एंड में एक प्लेट लगा दो तो वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्क्रीट उसको पकड़ पाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये बॉन्ड इसी से बनते हैं। उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम देखो, इसमें कुछ नहीं है, कॉलम में सिर्फ तुमसे ये पूछेंगे कि पिच बताओ स्पाइरल के लिए, है ना, और नॉर्मल के लिए बताओ कि स्पेसिंग बताओ लेटरल टाइज के लिए। अच्छा, एक और चीज़ बहुत क्वेश्चन है हाईलाइटेड होता है कि बीम में स्टीरअप और कॉलम में तुम्हारा लेटरल टाइज, क्या है इसमें अंतर यार, कुछ क्या अंतर है, सीधा सा अंतर है। लेटरल टाइज रोकती हैं बकलिंग के लिए, वो बकलिंग को प्रिवेंट करती हैं, और वहाँ पर जो स्टीरअप वो शीयर के लिए लगाएंगे, यही तो अंतर है, तो ये आप देख लेना है। एक क्वेश्चन आया था NVCC का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, बहुत टफ क्वेश्चन था वो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनते हैं एक्चुअली में। कॉलम का सेक्शन दे रखा था, वैल्यू दे रखी थी, पूछ रहे हैं कि लोड बताओ, तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो मैं करना बेवकूफ़ी है एग्ज़ाम, उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था, मैंने अटैम्प्ट किया था, सही भी हुआ था, लेकिन नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से और क्वेश्चन रह गए थे मेरे। तो ये एक कॉलम में क्वेश्चन बन जाते हैं। मिनिमम वैल्यूज़, जैसे कि अगर सर्कुलर कॉलम है तो कितनी बार होती हैं, कितनी स्पेसिंग होती हैं, है ना, ये चीज़ें आप देखोगे, जब तुम देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएंगी कि यहाँ पे ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम्हें ये है, मेरा बस यही कहने का मतलब है कि इसमें जो बेसिक्स हैं वो हैं, जब तुम कोड पढ़ोगे ना, जैसे कि मैंने कहा, तो ये भी उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक। बॉल एंड फुटिंग में ये है कि कितना परसेंट प्रेशर बढ़ाते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करते हैं सर्विस लोड लगाते हैं या वर्किंग लोड लगाते हैं, तो ये तुम्हें देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित चीज़ ये हो रही है कि हमारी जो डेप्थ होती है उसकी फुटिंग की, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किससे वो डिसाइडिंग होती है, बेंडिंग मोमेंट से या शीयर से, तो ये तुमको पता करना चाहिए। नहीं पता हो तो मुझे बताना, फिर मैं इस पे बताऊँगा चीज़ें क्या है। तो इसमें मेरे ख्याल से यही चीज़ें। अच्छा, कभी कभी क्या आता है, आजकल जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं वो ये हैं कि बियरिंग प्रेशर जो होता है इसका, बियरिंग जो स्ट्रेस जनरेट होती है जब डबल बार प्रोवाइड कर, अच्छा डबल बार क्या होती है, तो ट्रांसफर करने के लिए होती है, डबल बार हाईवे में भी आता है, ठीक है, तो ये वो दोनों चीज़ अलग हैं, हालांकि फंक्शन सेम है। तो डबल वार का क्या यूज है, डबल वार जब होती है तो बियरिंग स्ट्रेस कितने होते हैं, तो WSM LSM 0.45 होता है एक में 0.25 होता है, ये दोनों पढ़ लेना। कभी कभी रेशियो पूछ लेता है कि WSM इसमें बियरिंग स्ट्रेस का रेशियो बताओ जरा, सिंपल सा है, 5.25 0.45 लगा लो, 9/1 कितना हो जाएगा, 45 तो 9/5 हो गया। तो ये तुम इनको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें आते हैं, ठीक है। तो इसमें फुटिंग में यही, और बेंडिंग स्ट्रेस शेयर से बता ही दिया, पंचिंग शेयर सिंगल शेयर होता है, सिंगल शेयर डबल शेयर, इसमें क्या अंतर है पंचिंग शेयर में और नॉर्मल शेयर में, क्या अंतर है, क्यों हम इसको डिजाइन कर रहे हैं इसके लिए, तो ये एक बार देख लेना है। इनका रेक्टेंगल एरिया तुम्हें देख लेना है कि कहाँ से कितना कवर कर रहा है और हाँ यार, ये कैसे हम भूल सकते हैं, इन सब के जितने भी अभी तक मैंने बताया, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, इन सब में अहम बात ये होती है कि इसमें क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होते हैं। तो जैसे फुटिंग की हम बात करें तो पंचिंग शेयर में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होते हैं हर केस के लिए, चाहे वो तुम्हारी रेक्टेंगुलर फुटिंग हो, स्क्वायर फुटिंग हो, या कॉलम हो, वॉल हो, वॉल मतलब दीवार के वहाँ पे कहाँ होगा, कॉलम में कहाँ होगा, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए कैसा एरिया बनेगा, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। उसके बाद आती है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। देखो, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट से कभी कभी क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कई बार तो जेई के सिलेबस में है भी नहीं, कहीं जगहों पे कहीं कहीं पूछ लेते हैं, तो प्री स्ट्रेस में नॉर्मल सा है कि तुम इतना पता कर लो कि आपके RCC और प्री स्ट्रेस में अंतर क्या है, ठीक है। इतना जरूर देख लेना कि RCC और प्री स्ट्रेस में अंतर क्या है, क्यों हम प्री स्ट्रेस का कंसेप्ट लेके आए थे, तो इतना ये यहाँ से कवर कर लेना, वहाँ से न्यूमेरिकल आपसे कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है।
IS कोड रिकमेंडेशन, देखो IS कोड रिकमेंडेशन फॉर प्रीस्ट्रक्चर कंक्रीट मेरे ख्याल से JE और AE की जरूरत नहीं है, वही IS वगैरह में पूछे जाते हैं कभी कभी, वो भी नॉर्मल सा बार का डायमीटर कितना होना चाहिए अगर ये है, तो उसमें मुझे नहीं लगता तुम्हें ये काम करनी है। तो मेजर चीज़ क्या हुई कंक्लूड अगर हम करें RCC को, तो बेसिक्स ऑफ RCC मतलब क्या, दूसरे लफ्ज़ में IS कोडल प्रोविजन, ये आपको सोते में आपसे कोई पूछ लेना अरे हो ये बता भाई, तो आप जो उसको बता दो कि हाँ इसका ये है, और उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको बिल्कुल भी, ठीक है कि हमें इसमें ये डाउट है, चाहे वो स्क्वायर के कॉलम के लिए हो, चाहे सर्कुलर के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, चाहे बीम के लिए हो, चाहे स्टेयरकेस के लिए हो, चाहे स्टेयरकेस क्या, स्टेयरकेस से याद है कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस हैं कि ओपन टर्न स्टेयरकेस क्या होता है या स्टेयरकेस के एलिमेंट, तो एक बार क्या करना स्टेयरकेस किसी भी बुक में तुम्हें टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस पढ़ लेने हैं, और उसमें उसमें देख लेना कि स्टेयरकेस के एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि पोस्ट क्या होता है और बैलेस्टर्ड क्या होता है, ये सब उसमें स्टेयरकेस में आते हैं। तो यही है यार RCC में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कोडल प्रोविजंस हैं, तो प्लीज़ यार इसको देख लेना अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट।